नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखा दिया है इस मैनपुरी के लाल सूरज तिवारी ने। सूरज ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC यानी सिविल सर्विसेज के फाइनल रिजल्ट में 917 रैंक प्राप्त की है। सूरज तिवारी ने ऐसे लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूरज के दोनों पैर व एक हाथ नहीं है और दूसरे हाथ में केवल 3 उंगलियां हैं, लेकिन सूरज तिवारी की मेहनत और लगन का ही परिणाम है जो आज सूरज ने यह मुकाम हासिल किया है। UPSC की परीक्षा में सफलता पाने के लिए सूरज तिवारी 18 से 20 घंटे तक पढ़ाई करते थे और उसमें भी सूरज ने यह सफलता बिना किसी कोचिंग व एक्स्ट्रा क्लासेस के प्राप्त की है। सूरज एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। इनके पिता राजेश तिवारी कस्बा कुरावली में एक टेलर मास्टर है और इनकी एक छोटी सी सिलाई की दुकान कुरावली में है जो अपने जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं। 2017 में एक ट्रेन हादसे में सूरज तिवारी ने अपने दोनों पैर व एक हाथ गंवा दिया। 4 महीने तक सूरज तिवारी का इलाज चला। घर की माली हालत भी खराब होने लगी और उसी के कुछ समय बाद सूरज के एक भाई की भी मौत हो गई। इस घटना से पूरा परिवार दुखी था, लेकिन सूरज ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर ये सफलता प्राप्त की। सूरज तिवारी के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। इस विषय पर परिवारिक जनों एवं आम नागरिकों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज नाइन भारत के लिए मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। IAS क्वालिफाई किया है, कैसे देख रही हैं? बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे और बहुत खुशी है, सारे लोग आ रहे हैं बधाइयां देने के लिए। बताते हैं, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसको हाथ पैर गंवाने पड़े थे। जी जी, कब हुआ था एक्सीडेंट? 2017 में हुआ था, 29 जनवरी को, और ट्रेन से हो गया था दादरी स्टेशन पे। उसके बाद लगा था क्या बच्चे के हाथ पैर गंवाने के बाद बच्चा इस मुकाम को हासिल कर पाएगा? तब तो ऐसा नहीं लगता था कुछ लोग, लेकिन उसे तो काफी उम्मीद थी। मतलब वो तो शुरू से उसने कभी अपने आप को नॉर्मल ही नहीं समझा। एक्सीडेंट के बाद आसपास के लोग आपसे बोलते होंगे? हाँ, बोलते थे। आप सामने बोल, मुंह पे बोल जाते थे कि इससे तो इसका एक्सीडेंट क्या हो गया, हाथ पैर चले गए, इससे तो ये मर ही जाता तो बढ़िया था। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता था जितना बचा है उतना ही काफी है हमारे लिए। क्या लगता था कि इस मुकाम पे पहुंच जाएगा सूरज मेहनत करके, जब एक्सीडेंट में उसने हाथ पैर गंवा दिया तो उसके बाद? जी, उसको तो बहुत उम्मीद थी। वो तो आप लोग को थी उम्मीद? हम लोगों को भी उसकी उम्मीद पे ही, हम लोगों को भी उम्मीद थी। बोलता था मम्मी, एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि होगा या नहीं होगा। उसने डायरेक्ट जब से तैयारी की है तब से उसने यही कहा है कि होगा ही, मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे इतना विश्वास है अपनी मेहनत पर। आपके लड़के ने सफलता हासिल करी है, कैसे देखते हैं सफलता को? बहुत बढ़िया करके देख रहे हैं, बहुत अच्छा। कैसा था आपका बच्चा शुरू में पढ़ाई में? शुरू में था, हमारे दोनों बच्चे जो पहले बहुत ही टॉप क्लास करते थे। चर्चा थी कि बच्चा आपका विकलांग हो गया था, कुछ दुर्घटना हुई थी उसके साथ, जी हाँ, बावजूद इतनी बड़ी सफलता। हाँ, तो उसमें फिर उन्होंने जब हाथ पर चले गए तो उन्होंने कहा सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं, फिर उन्होंने इसी में मतलब की लगन लगाई और कहा आप कुछ ना कुछ बन के आपको पापा दिखाएंगे। अच्छा, हाथ पैर जाने के बाद उसने संकल्प किया कि इसको कुछ करना है। हाँ, बाबूजी करते क्या हैं आपका? हम सिलाई साफ करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास अभी समय 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, क्या करते हैं बच्चे? वो एक तो वही पढ़ी रही दिल्ली में और बिटिया BTG कर रही है और एक BSc में लड़का है। सफलता मिलने के बाद बच्चे से आपकी बात हुई सूरज से? जी हाँ भाई, क्या कह रहे हैं सूरज? पापा कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। UPSC क्लियर किया है, कैसे देखती हो, कैसा लग रहा है आपको? मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से UPSC क्लियर किया है। अच्छा, किस तरीके का माहौल है घर में, लोग बधाई दे रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है घर का, काफी लोग आ भी रहे हैं बधाई देने के लिए, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपका। आप किस तरीके से भैया पढ़ाई करते थे, कहाँ कहाँ भैया ने पढ़ाई करी है? भैया ने स्टार्टिंग में तो यहीं से पढ़ाई की है, फिर उसके बाद 9 से 12 तक उन्होंने मैनपुरी में पढ़ाई की है SVRL में। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था 29 जनवरी 2017 को, फिर उसके बाद वो JNU चले गए थे। JNU से उन्होंने रशियन लैंग्वेज से BA किया है, फिर उसके बाद उन्होंने MA किया है।
एमए का अभी एग्जाम चल रहा है उनका, और इधर उन्होंने यूपीएससी भी क्रैक कर रखा है। भैया आपके किस तरीके से आपको मोटिवेट करते? मुझे काफी अच्छे से मोटिवेट करते थे, उन्होंने बचपन से मुझे मोटिवेट किया है कि अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ बन के दिखाओ। जैसा घर का माहौल है उसके अकॉर्डिंग मुझे काफी अच्छे से मोटिवेट किया है। अभी मैं पीटी कर रही हूं। आज आपके जनपद के एक बच्चे ने यूपीएससी परीक्षा को पास किया है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? सूरज तिवारी करौली का रहने वाला है, और एक्सीडेंट में इसके दोनों पैर चले गए, एक हाथ नहीं है, दूसरे हाथ में मात्र 3 उंगलियां हैं, और इन सब के बावजूद उसने यूपीएससी क्लियर किया। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, हम सभी जिले वासियों के लिए, और हम उसके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं भाईजा, कि उसने जो है इतनी विषम परिस्थितियों में और इतना अच्छा रिजल्ट निकाला। और हमारे नए जो नवीन बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एसएससी वगैरह की, ये उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि इतनी विषम परिस्थितियों में जो बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो जिनके पास व्यवस्थाएँ हैं वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे। धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।